नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनता है और उसका स्टेज क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी बेसिक जानकारी के बारे में। दोस्तों, ऑक्सीजन बनाने के प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। और दोस्तों, एटमोस्ट की एयर में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 1% इसमें अदर गैसेस होती हैं। दोस्तों, इसका पहला स्टेप है एयर कंप्रेशन का। दोस्तों, एयर कंप्रेशन में एटमोस्ट की एयर को कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस कर लिया जाता है और एक रिसीवर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। हमारा दूसरा स्टेप एयर ट्रीटमेंट का है। इसमें जो कंप्रेस की हुई एयर होती है उसको फिल्टर के जरिए फिल्टर किया जाता है और एयर में जो डस्ट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और एयर ड्राई के द्वारा जो इसमें मॉइस्चर होता है, यानी कि जो पानी के कंटेंट होते हैं, उसको एयर से सेपरेट कर लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। दोस्तों, हमारा तीसरा स्टेप है एयर सेपरेशन सेपरेशन का। दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से अलग किया जाता है और इस स्टेप में 2 टैंक होते हैं। एक टैंक में केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है जिसका नाम है ZMS। ZMS यानी कि जियोलाइट मोनिक्स स्यून। और दोस्तों, एयर को ZMS के थ्रू पास किया जाता है और दोस्तों ZMS में नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे स्टेप की। दोस्तों, हमारा चौथा स्टेप है ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन का। इस स्टेप में दोस्तों सप्रेशन होने के बाद ऑक्सीजन को एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर होने के बाद टैंक में 93% से 95% तक ऑक्सीजन रहता है। अब दोस्तों, हमारा लास्ट यानी कि पांचवा स्टेप है सिलेंडर फिलिंग का। दोस्तों, इस स्टेप में हमने जो ऑक्सीजन को स्टोर किया है उसे छोटे छोटे सिलेंडर में फिलिंग किया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्री में, मेडिकल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोसेस की बेसिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।